14 सितंबर के अवसर पर यानी हिंदी दिवस के अवसर पर आप सभी को हमारी ओर से हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हिंदी दिवस है। मुंबईया भाषा में कहूं तो आज अपन का हिंदी डे है। अपन लोग स्कूल या कॉलेज में तो इंग्लिश ही बोलता है, लेकिन स्कूल से बाहर, कॉलेज से बाहर, ऑफिस के बाहर, कॉरपोरेट ऑफिसेस के बाहर से निकल के अपन हिंदी में ही चालू हो जाते हैं। बोले तो आपको थोड़ा आश्चर्य लगा होगा कि मैंने ऐसी भाषा का उपयोग क्यों किया। दोस्तों, हिंदी की यही खूबी है, ये जहाँ जाती है वहाँ उसी रंग में रंग जाती है, ढल जाती है। मुंबई में ये मुंबईया हिंदी होती है तो दिल्ली और चंडीगढ़ में इसका अंदाज कुछ अलग ही होता है। दक्षिण भारत यानी साउथ इंडिया में हिंदी दक्षिणी हो जाती है तो हैदराबाद की हिंदी, इसका अपना ही अलग मिजाज है मियाँ, कुछ समझे? मेरे कहने का मतलब ये है कि बहुत ही सरल है हिंदी बोलने में और समझने में भी। कोई भी अपने अंदाज में इसे बोल सकता है, किसी को भी अपना बना सकता है, दोस्ती कर सकता है। दोस्तों, हिंदी हमारे देश की राजभाषा है तो सिर्फ इसीलिए नहीं कि वह देश के एक बहुत बड़े इलाके में बोली जाती है। हिंदी आसान है और हर किसी को अपनी सी लगती है और सारे देश को जोड़ती है। फिर चाहे हिंदी फिल्में हों, हिंदी गाने हों, या फिर बोल चाल के जरिए अपनी भावनाओं को सभी तक पहुंचाने की बात हो, हिंदी पूरे भारत को जोड़ सकती है। एक बात और बताना चाहता हूँ, ये जो भाषा है ना, ये भाषा सिर्फ अपने विचार लोगों तक पहुंचाने का माध्यम नहीं होती, बल्कि उसके साथ पूरा एक कल्चर चलता है, एक संस्कृति भाषा के साथ चलती है। आपने इसका अनुभव भी किया होगा, फिर भी मैं कुछ एक उदाहरण आपको देना चाहता हूँ। कभी हम घर में या दोस्तों के साथ बैठकर आपस में किसी व्यक्ति की चर्चा कर रहे हों और अचानक ही वो आदमी, वो पर्सन हमारे बीच आ जाता है, तो हम उसे हिंदी, मराठी या गुजराती या किसी भी भारतीय भाषा में क्या कहते हैं? ओह, आपकी चर्चा हो रही थी, 100 साल हो गया आपकी उम्र। लेकिन इसी बात को अंग्रेजी बोलने वाला व्यक्ति क्या कहेगा? ओह, थिंक ऑफ द डेविल एंड डेविल इज हियर। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। अंग्रेजी में आने वाला, अचानक आने वाला मेहमान शैतान होता है और हम अपने उस मित्र की उम्र 100 साल बढ़ा देते हैं। ये फर्क है दोस्तों। इंग्लिश के अंदर, इंग्लिश में पतिव्रता शब्द नहीं है क्योंकि कॉन्सेप्ट ही नहीं है। हम या हमारे बाप दादा पहले जो चेक लिखा करते थे या बही खाते लिखते थे तो उसमें वो लिखते थे 2000 पूरे, मराठी में 2000 पूरे, गुजराती में 2000 पूरा और हिंदी में भी 2000 पूरे पूरा, यह लिखा जाता था। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? 2000 ओनली, 2 लैक्स ओनली, 1 करोड़ ओनली। ओनली है असंतोष, ओनली असंतोष को व्यक्त करता है और पूरा पर्याप्त, यहाँ संतोष है। दूसरी बड़ी बात यह है कि हमारे देश की सारी भाषाएं बिल्कुल साइंटिफिक हैं। हम जो लिखते हैं वही पढ़ते हैं। हमारी भाषाओं में कोई भी अक्षर साइलेंट नहीं होता। जो लिखा वही पढ़ा या जो बोला जाता है वैसा का वैसा ही हम लिख सकते हैं, जबकि दूसरी विदेशी भाषाओं का ऐसा नहीं है। आप उसका उच्चारण कुछ भी कर सकते हैं यदि आपको उसका उच्चारण पता नहीं हो तो। हमारी हिंदी की 12 खड़ी यानी कि क ख ग भी बिल्कुल साइंटिफिक है। क ख ग ये जो लाइनें हैं इसको हम कंठ से कहते हैं, कंठ। इसमें कंठ का उपयोग होता है, क ख ग घ ङ। उसी तरह से च छ ज झ ञ में हम तालु का उपयोग करते हैं, जीभ हमारी तालु पर लगती है। दोस्तों, ये जो नियम है ये मराठी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, बंगाली, असमिया, उड़िया, हर भाषा में ये नियम लागू होता है और हमारे देश की सभी भाषाएं वैज्ञानिक हैं और इस बात का हमें गर्व होना चाहिए। तो आइए, आज के दिन, हिंदी दिवस के दिन, हम अपने रोज़ाना की बोलचाल की भाषा में हिंदी का प्रयोग करें और हिंदी के प्रयोग में ही गर्व महसूस करें। एक बार फिर से आप सभी को हिंदी दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।